हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एएमडी की राइजन सीरीज के जो है फोर्थ जनरेशन वाले जो है एपीयूज बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले हैं और ये एपीयू जो है इनकी रेनियो सीरीज वाले एपीयूज होने वाले हैं और इन एपीयूज जो अब लॉन्च होने वाले हैं इनके सारे स्पेसिफिकेशन जो है अब लीक हो चुकी है या हम बोले अब ये पूरी तरीके से आ चुकी है और इनके जो है 3D बेंचमार्क स्कोर भी आ चुके हैं जो कि काफ़ी इंप्रेसिव देखने के लिए लग रहे हैं। तो आज के वीडियो में जो है हम आपके लिए जो इनके फोर्थ जनरेशन वाले सीरीज के जो एपीयूज आने वाले हैं उसमें जो बेसिकली इन्होंने ये तीन एपीयूज जो है लॉन्च करने वाले हैं उसकी हम पूरी डिटेल आज के वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं, साथ ही इनके जो है बेंचमार्क स्कोर भी आपके लिए लेके आए हैं। तो इस वीडियो को जो है आप पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर प्रेस करना मत भूलिए जिससे कि आने वाले वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं AMD के Ryzen 3 4200G के बारे में। ये इनका जो है 4-core 8 थ्रेड का जो है प्रोसेसर होने वाला है। बेस क्लॉक की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 3.8 GHz का बेस क्लॉक और 4.1 GHz का इसमें आपको बूस्ट क्लॉक देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं इसमें अगर हम ग्राफिक साइड की बात करें तो इसमें आपको 6 कंप्यूट यूनिट जो देखने के लिए मिल जाएंगे। इससे पहले जो APU के जो थर्ड जनरेशन वाले जो APU आए थे उनमें आपको जो है 8 कंप्यूट यूनिट देखने के लिए मिलते थे, इसमें आपको जो है 6 कंप्यूट यूनिट जो है देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको जो है इसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी वो लगभग आपको 1700 मेगाहर्ट्ज़ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और ये जितने भी जो अब ये पीस लॉन्च होंगे वो इनके 7nm के आर्किटेक्चर पर बेस होंगे और इन पर जो है ये जेन 2 आर्किटेक्चर वाले ही होंगे। इससे पहले जो इनके राइजन 3 थर्ड जनरेशन वाले आए थे वो जेन प्लस आर्किटेक्चर पर आए थे जो भी एपीयूज आए थे। बाकी जितने भी सीपीयूज आए थे वो सारे इनके जेन 2 आर्किटेक्चर पर थे, लेकिन बाकी जो एपीयूज थे वो थे इनके जेन प्लस आर्किटेक्चर पर। लेकिन अब जो फोर्थ जनरेशन वाले इनके लैपटॉप में प्रोसेसर आने वाले हैं ये आपको जो है एपीयूज इनके आपको जेन 2 आर्किटेक्चर पर देखने के लिए मिलेंगे। तो इन पर IPC आपको काफ़ी अच्छी और इम्प्रूव देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इनके राइजन 4400G के बारे में। तो इसमें आपको जो है 6-core 12 थ्रेड देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही इसमें आपकी अगर हम बेस फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इसमें आपको 3.7 GHz की बेस फ्रिक्वेंसी और 4.3 GHz की इसमें आपको बूस्ट फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। भाई अगर हम ग्राफिक साइड की बात करें तो इसमें आपको 7 कंप्यूट यूनिट देखने के लिए मिल जाएंगे जिसकी की मैक्सिमम जो है फ्रिक्वेंसी आप जो है 1900 MHz तक की होने वाली है। अब हम बात करते हैं इसमें आने वाले राइजन 7 4700G। इसमें आपको जो है 8-core 16 थ्रेड देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी अब आपको APU में ही 8-core 16 थ्रेड जैसे प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर हम इसकी बेस फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इसमें आपको जो है 3.6 GHz की बेस फ्रिक्वेंसी और 4.45 GHz की बूस्ट फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। और इसमें आपको जो है ग्राफिक साइड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 8 कंप्यूट यूनिट जो है देखने के लिए मिल जाएंगे और इसकी जो है मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी होगी ग्राफिक फ्रिक्वेंसी वो लगभग आपको 2100 MHz तक की देखने के लिए मिलेगी। तो अगर हम बात करें अगर हम इस प्रोसेसर की स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो इस APU जो है होने वाला है वो काफी अच्छा आपको पावरफुल APU जो है आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करें इनके जो 3D बेंचमार्क के जो स्कोर आया है वो भी काफी इंप्रेसिव जो है यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइजन 3 4200G के बारे में। यहाँ पर अगर हम इसकी फिजिकल जो है स्कोर की बात करें जो यानी फायर स्ट्राइक जो बेंचमार्क स्क्रीन के जो फायर स्ट्राइक के जो बेंचमार्क आए हैं अगर हम उसके लिए बारे में बात करें तो अगर फिजिकल स्कोर की बात करें तो यहाँ पर आपको इसका मिल जाएगा लगभग 13712 और अगर हम ग्राफिक स्कोर की बात करें तो लगभग ये आपको 3576 ग्राफिक स्कोर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं हम बात करें AMD के राइजन 5 4400G के बारे में तो यहाँ आपको इनके फिजिकल स्कोर की अगर हम बात करें तो ये मिल जाएंगे आपको 19113। वहीं अगर इसके ग्राफिक्स की बात करें तो ये लगभग आपको 4033 के स्कोर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। वहीं राइजन 7 4700G के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो इनका फिजिकल स्कोर जो है वो आपको जो लगभग 23392 मिल जाएगा और वहीं इसका जो ग्राफिक स्कोर है वो लगभग 4301 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो इनके ग्राफिक जो बेंचमार्क आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे इंप्रेसिव आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो ये रूमर्स आ रहे थे कि जो इनके जो 5nm पर जो अभी CPU आने वाले हैं तो ये शायद कुछ रूमर्स ही हैं, लेकिन ये जरूर कन्फर्म है कि ये जो APU आने वाली है ये 7nm के आर्किटेक्चर पर बेस है और ये AMD प्लेटफॉर्म पर बेस है और ये जो इनके 400 और 500 सीरीज के जो भी मदरबोर्ड होने वाले हैं उनके लिए कंफर्टेबल होंगे। और ये लगभग आपको जो है सितंबर के लगभग में आपको देखने के लिए सितंबर अक्टूबर के लगभग में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन ये जो इनके जो CPUs आने वाले हैं जिनमें यानी आपको हम बोले इंटरनल जिसमें आपको IGPU नहीं होगा वो आपको जो है हो सकता है कि 5nm पर आपको देखने के लिए मिले और नेक्स्ट ईयर आपको ये हो सकता है देखने के लिए मिले।
तो ये जो है पूरी जानकारी थी कि जो आपको राइजन के जो फोर्थ जनरेशन वाले जो एपीयू आने वाले हैं रेनियो सीरीज के, उसके बारे में ये टेस्ट पूरी जानकारी थी। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। अगर आपका और भी कोई अगर सवाल हो इसके विषय में तो आप जो है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।